ए मदर ऑफ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के संदर्भ में गठित एक मेडिकल बोर्ड 24 वीक से अधिक की जेस्टेशनल एज वाले प्रेग्नेंट पर्सन की जांच करता है तो उसे व्यक्ति के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में ओपिनियन देनी चाहिए भले ही देयर आर नो सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मेलिटीज। मौजूदा मामले में एक माइनर रेप सर्वाइवर के 28 वीक्स के प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के अगेंस्ट मेडिकल बोर्ड ने ओपिनियन दिया था स्टेटिंग दैट सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मेलिटीज वर नॉट डायग्नोस्ड। कोर्ट ने इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया और कहा रिपोर्ट प्रेग्नेंट पर्सन के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर प्रेगनेंसी के इम्पैक्ट पर एक राय बनाने में विफल रही। यदि कोई प्रेग्नेंट पर्सन MTP एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 2B के तहत शर्तों को पूरा करती है तो उसे कोर्ट की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए जब भी कोई गर्भवती व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो मेडिकल बोर्ड के लिए प्रेग्नेंट पर्सन के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर राय देना अनिवार्य है। इस संबंध में याद दिलाया गया कि XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 में यह माना गया था कि मेडिकल बोर्ड या हाई कोर्ट केवल इस आधार पर अबॉर्शन से इनकार नहीं कर सकता है कि गर्भावस्था की गर्भकालीन आयु दैट इज जेस्टेशनल एज स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शन से ऊपर है। अगर ब्रीफली देखें तो इस मामले में यह बातें बोली गई हैं। पहली, मेडिकल बोर्ड केवल यह कहकर अबॉर्शन से इनकार नहीं कर सकता है कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 2B के तहत शर्त पूरी नहीं हुई है। दूसरी, व्यक्ति के फोर्सिएबल एनवायरनमेंट का मूल्यांकन करने में प्रेग्नेंट पर्सन की राय को प्रधानता दी जानी चाहिए। और अंत में कोर्ट ने दोहराया कि द राइट टू चूज एंड रिप्रोडक्टिव फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स को जानने के लिए सब्सक्राइब टू एलेक फॉर जुडिशियरी। थैंक यू।